ये करीब 4:15 बजे एक प्रोसेशन शुरू हुआ था हनुमान जयंती को मनाने के लिए। जो रूट था वो ट्रेडिशनल रूट था। करीब 6:15 बजे प्रोसेशन का जो पिछला हिस्सा है, आगे का हिस्सा निकल गया था, जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। पुलिस का बंदोबस्त प्रोसेशन के साथ था और उस समय जो हमारे अधिकारी थे सब इंस्पेक्टर और उनके साथ जो टीम थी, उन्होंने दोनों साइड को अलग करके बीच में पुलिस थी और इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की। और उसी सिलसिले में इंजरीज भी हुई। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, एक सिविलियन है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उस समय बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग-अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायरआर्म सीज किए हैं और 5 स्वॉर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स FSL से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं। सोशल मीडिया वीडियो फुटेजेस, डिजिटल एविडेंसेस, इन सबको कलेक्ट करके एनालिसिस करके इस केस की हर एंगल से तफ्तीश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसमें कोई भी आरोपी, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से उसने पार्टिसिपेट किया हो या परोक्ष रूप से पार्टिसिपेट किया हो, छूटे नहीं। इसके अलावा हमारी जो इंटेलिजेंस फ्यूजन और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट है स्पेशल सेल में, उसको ये जवाबदारी दी गई है जितने भी डिजिटल एविडेंसेस हैं उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके एविडेंसेस कलेक्ट करें और इस केस में जो भी लोग शामिल हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन काफ़ी डिटेल्ड होगा, थरो होगा और चूंकि क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन की जवाबदारी दी गई है, उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं जो हर एंगल से इस केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगी। टीम्स कल से ही कार्यरत हैं और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे हम प्रेस को ब्रीफ करेंगे। अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन। पुलिस ने पीस कमिटीज़ या अमन कमेटी यहाँ कहते हैं, उनकी भी मीटिंग्स की हैं और कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो चंद खुराफाती लोग हैं उनकी वजह से आम नागरिक को मुश्किल नहीं हो, तो पीस कमेटी के माध्यम से भी
शहर में खास करके सेंसिटिव एरियाज में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इस तरह के इंसिडेंट्स में जो शरारती तत्व हैं वही भाग ज़्यादा लेते हैं, आम पब्लिक जो है उसका कोई इंटरेस्ट ऐसे इंसिडेंट्स में नहीं होता है। तो हर एक कम्युनिटी के लीडर्स को संगठित करके डिफरेंट एरियाज में ये पीस कमेटी की मीटिंग्स भी हम लोग कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज्ड ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है, उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। 3 फायरआर्म्स सीज किए हैं और 5 स्वॉर्ड्स सीज की गई हैं। ये केस क्राइम ब्रांच को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप दिया गया है। उसी सिलसिले में आज 4 फॉरेंसिक टीम्स FSL से सीन ऑफ क्राइम का विजिट किया है और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए गए हैं।